असलम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम भोन से वापस आ चुके हैं और आते ही हम लोगों ने देखे भाई कि हमारा जो भूसा था, याद है जिस दिन शराब वाले दिन हमारा भूसा भी थोड़ा बहुत गीला हो गया था। तो आज आपको हम वो दिखाएंगे जब शराब वाले दिन हो गया था भूसा खराब और ये भी थोड़ा थोड़ा गीला गीला महसूस हो रहा है, मगर ये पूरा सा भूसा है और ये ज्यादा ऑरेंज है और ये वाइट है। कौन सा खाना खा लो। भूसा हमारा चला के और अब बिल्कुल बहुत थोड़ा सा भूसा रह गया, तो अब ये भी घंटे दो घंटे बाद इंशाल्लाह चला जाएगा कमरे में जहाँ हमने आपको भी जगह रखा। तो यहाँ भूसा जा रहे आया वो जगह दिखा दो बनो। तो फ्रेंड्स, घोड़ी भी अपना ये सारा सब सारा लेकर आ चुकी है और अभी इसको थोड़ी देर हमने खोले ताकि थोड़ा पानी शानी पी ले और आराम करे, फिर इसको शाम को हम बर बांधेंगे। तो ये बहुत पसीना पसीना और थक चुकी है बेचारी, तो तुम खाओ। तो और बख्तू फिर देख कैसे बैठा होता है, सर बाहर निकाल के हर वक्त बैठे रहते हैं, किसी ने तुम्हें इन लोगों ने मार देने। आओ मैं भूसा दिखाता हूँ जब वो भूसा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये सारा भूसा पड़ा हुआ हम लोगों ने आगे ऐसे कर दिया, यहाँ अलमारी शलमारी शेरपाई हमें आगे लिए जगह बनाई है जहाँ पहले हमारी पड़ी होती थी गन्नम। तो फ्रेंड्स, अब ये घोड़ी भी और हमारा सबचारा भी घोड़ी पे हाकम सब चारा लेकर आ चुका है सारा और आराम से इसको खा रही है, जैसे बस चारा लाई थी ये वही खा रही है। ये ले आए हैं तो गए वैसे सारी आराम कर रही है अपने ये जगह पर और घोड़ी आराम से खा रही है खाना। ये हमारी नई गए और आराम से पंखे के नीचे दोनों बैठी हुई हैं, तीनों चारों आराम से मजे कर रही हैं। अभी आपको गए कि बच्चे से थोड़ी सी मुलाकात करवाता हूँ। गाय के बच्चे को आप देखें, इसका अल्लाह का शुक्र है, जैसे आप देख सकते हैं इसके सींग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अभी अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, पर अभी बहुत खौफनाक लग रही थी और अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसको देखें ऐसा लगता है जैसे मर गई पता ना कर एकदम उठ गई। ये वो वाला सारा सामान जो हमने बाहर निकाले, कुर्सियाँ और ये चादर गत्ते और ये बल्ब्स पुराने जमाने के और बहुत पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये हमारा बोर्ड हमने दिल से लगवाए, तो क्या पता लगवाए इस बोर्ड को भी और सिम्बा से भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। ये तो गबरू है, सिम्बा आराम से अपना ये कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना नहीं अपने पाँव को देख रहा है। तुम्हारी जगह बन रही है, पता है तुम्हारी जगह बन रही है, ये इसको देख इसे बांध पर निकाल के आराम से खड़ा है। और ये आप हमारा बकरा हो चुका है, उन्होंने कहा ये आप ले लें हम लोग अपना नया ले लेंगे। तो हमारी बेली में एक नया मेहमान भी आ चुका है तो इसका नाम भी हम लोग जल्द सोचेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा इसका क्या हम लोग नाम रखें और सिम्बा को छेड़ो तुम क्योंकि सिम्बा इतनी सुनी कोई आवाज नहीं कर रहा है। बताया तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल से हमारे दोबारा स्कूल रूटीन स्टार्ट होगी, ऐसा कि आपको पता है कल हमारी फनियाज थी सैटरडे वाले दिन, हम लोग फ्राइडे वाले दिन अपने नाना घर गए थे। तो अब हम लोग संडे आज हम अभी दिन को आए हैं तो अभी दिन ही है, दो बजने होंगे तो आज मजदूर भी लगे हैं, सर्दियों की तैयारियाँ हो रही हैं और
अभी मैं सही वीडियो नहीं बना सकता। आज के लिए इतने वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।